नाम है अंजलि तिवारी। नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले को लेकर विरोध हो या सहयोग, लेकिन लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कई बार सीएम नीतीश के लिए सहज हालात हो जा रही है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू लगातार शराबबंदी के फैसले को सही बताते हुए किसी भी कीमत पर बिहार में शराबबंदी लागू रखना चाहती है। इस मामले पर अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है, लेकिन इस बार अंदाज थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर ने बिहार में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए बिहार में प्रदूषण बढ़ने की वजह शराबबंदी को बता दिया है। बिहार में 7 शहरों में प्रदूषण के मामले में देश का पहला 10 में शामिल है, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर चोटीला वार में ट्वीट करते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा है, दिल्ली की वायु में प्रदूषण की चर्चा है, जबकि देश के 10 सबसे प्रदूषण शहरों में 7 बिहार शामिल है। नीतीश कुमार जी, क्या लगता है प्रदूषण नापने वालों को भी ज्ञान नहीं है, या फिर सब आपके होम डिलीवरी वाले शराबबंदी से नाराज होकर ऐसे आंकड़ा पेश कर रहे हैं? बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो ताजा आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक 17 नवम्बर के सुबह करीब 7 बजे के आसपास बिहार के मोतिहारी शहर में वायु में प्रदूषण ज्यादा देखने को मिली थी। आपको बता दें कि बिहार के 7 शहरों में प्रदूषण बढ़ते हुए देख प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर प्रदूषण के बढ़ते मामले को शराबबंदी से जोड़ दिया है। बता दें कि प्रशांत किशोर जल सुराज यात्रा पर है। यात्रा के 46वां दिन बुधवार को प्रशांत किशोर सड़कों पर लोगों के साथ बेतिया गए। बेतिया गांव में जाने के बाद उन्होंने बिहार के सीएम पर कई हमला बोला। उन्होंने बुधवार को कहा कि मेरा सपना बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं है, बल्कि मेरा सपना है अपने जीवन में बिहार को एक ऐसा बिहार देखना जहां गुजरात और दिल्ली जैसे शहरों से लोग आकर काम करें। उन्होंने कहा कि मैं यहां आकर सिर्फ लड़ूंगा नहीं, बल्कि लड़के जीतूंगा। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।